पृथ्वी के चारों राज्यों पर विजय प्राप्त करके राजा हसीरामा ने एक नए साम्राज्य का गठन किया। एकजुट होकर ये अब देव साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। वे अब अपने वफादार परिषद सेनापतियों के साथ कुरुक्षेत्र के पराक्रम सिंहासन पर बैठकर पूरे साम्राज्य पर राज करते हैं। महाराजा अपने सेनापतियों के साथ राजसभा में बैठे थे जब एक अजनबी ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। अपना परिचय देते हुए योगी ने राजा के सामने एक मंत्र जपना शुरू कर दिया। योगी ने राजाओं के राजा को अपनी बात ध्यान से सुनने का अनुरोध किया और कहा कि एक बुरा समय उनके राज्य का विनाश करने वाला है। आपका परिवार, आपके लोग, आपका पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा जब तक कि बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, एक खून का बलिदान। योगी की यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। व्याकुल होकर राजा ने यह निर्धारित कर दिया कि भगवान के इस अनुरोध का पालन वो करके ही रहेंगे। राजा ने अपने पूरे राज्य में इस घटना का समाचार दे दिया ताकि वे इस भविष्यवाणी को पूरा कर सके। अपने सैनिकों को पूरे राज्य में भेजते हुए उन्होंने एक नश्वर को बलिदान के रूप में उनके राजसभा में प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। मासूम व्यक्ति की जान लेना राज्य के कानून के खिलाफ था। इस कारण सैनिकों ने निम्न जाति के समाज पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ऐसे ही एक आक्रमण में सेनापति ने एक बच्चे को अपने जीवन के लिए छुपते हुए देखा। लड़के को देखते ही उन्होंने अपने सारे सैनिकों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बच्चे ने उनके हाथों से बच निकलने की पूरी कोशिश की। आखिरकार वो उनके हाथ आ ही गया। बच्चे को राजा के दरबार में अनुष्ठान के लिए एक दानों से बांध दिया गया था। सर नीचे लड़के के मुंह पर कोई भाव नहीं था, वो शांत था। हमारे प्रभु ने एक आखिरी बार बच्चे की तरफ देखते हुए अनुष्ठान को शुरू करने की आज्ञा दी। मंत्र जपना शुरू और दानों पर आग लगा दी गई। पहले तो चारों ओर मशाल को देखकर लड़का रोने लगा, लेकिन जैसे ही ज्वाला उसके त्वचा को छूने लगी उसका रोना क्रोध की चीख में बदल गया। उसी समय एक रहस्यमय ऊर्जा राजसभा के ऊपर की ओर प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि बच्चे की चीख उस ऊर्जा को और उत्तेजित कर रही है। अंत में उस ऊर्जा के प्रखट तेज ने पूरे राज्यसभा और पूरे राज्य को कुछ समय के लिए अंधा कर दिया। तेज कम होने पर तब पता चला कि दानों नष्ट हो गया था और बच्चे का भी कोई नामो निशान नहीं पाया गया। राजा ने अपने प्रजा और अपने राज्य को विनाश से बचा लिया था। इस घटना के बाद पूरे राज्य ने राजा हसीरामा को ईश्वर राजा के नाम से घोषित किया। सोच लिया कि मेरा विनाश हो गया, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। चार राक्षस देवताओं ने मुझे अपनी शरण में ले लिया था। एक अनुष्ठान प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मुझे अपनी सभी क्षमता और शपथ दिया। अपना बलिदान करते हुए उन्होंने मुझे एक नया रूप दिया। पूरे देव समाज को अब अपनी गलतियों का भुगतान करना होगा।
देव साम्राज्य ने 5 मजबूत किलों का निर्माण किया मेरे आक्रमण को रोकने के लिए। प्रत्येक किले की सुरक्षा और उसकी रखवाली के लिए उन्होंने अपने क्षेत्र से महान योद्धाओं को चुना है। मैं उनके हरेक योद्धाओं का शिकार करूंगा, केवल तभी मेरा सामना उसी रामा से हो पाएगा। और यही एक मार्ग है जिससे देव राज्य का द्वार खुल सकेगा। अब मैं तैयार हूं, युद्ध प्रारंभ हो।
मेरी सैंक्शन।